बर्बादी, लाचारी, मायूसी, दुख, परेशानी, यहां कोई खुश नहीं है। मुज़ाकात है जो आज आई नहीं फटने, जहां हफ्ते में आज 15-15, 16-16 ग्रेनेड फट रहे, उस वक्त ऐसे हालात ही नहीं थे। यहां एक एक एनकाउंटर में 5-5 लोग जो है जो एहतजाज कर रहे होते हैं, उनको उन पे गोलियां बरसाई जाती हैं। ये हालात मेरे दौर में तो नहीं थे। खून खराबा, एक नई शुरुआत मिलिटेंसी की, हमारे नौजवान जिनको हमने बंदूक और इन चीजों से हटा के तालीम की तरफ, खेल की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ, रोजगार की तरफ उनका ध्यान दिलाया था, आज उन नौजवानों को दोबारा बंदूक और इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। यहां तक कि देखिए, पढ़े लिखे लोग आज अपनी नौकरी छोड़ के बंदूक पकड़ना पसंद कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, हैरान हुआ मैं सुन के, जुमा के दिन उसने तालीम दी बच्चों को, दूसरे दिन गायब हुआ, एतवार के रोज मिलिटेंट बना और ठीक 24 घंटे के बाद जो है उसकी लाश मिली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पीएचडी करता हुआ नौजवान अपने पीएचडी की तालीम छोड़ता है और यहां बंदूक पकड़ना पसंद करता है। एक नौजवान जिसको आर्मी में नौकरी, वो आर्मी की नौकरी छोड़ के यहां बंदूक पकड़ना पसंद करता है। आखिरकार 2014 से पहले तो ये हालात नहीं थे। ये हालात अगर बने तो 2014 के बाद ही बने।